बरेली मथुरा हाईवे पर जनपद के विनार कस्बे के घटपुरी पर अडानी ग्रुप के इंजीनियर्स द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के बाद इसे तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसका निर्माण मेरठ से प्रयागराज तक किया जाएगा, जो कि बदायूं की 4 तहसील और 85 गाँव से होकर गुजरेगा। दरअसल इस एक्सप्रेसवे की लगभग 9 किलोमीटर की दूरी बदायूं में तय होगी। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से मात्र 8 घंटे में मेरठ से प्रयागराज पहुंचा जा सकेगा। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए तैयारी जोरों पर है। इसके निर्माण के लिए विनावर गांव के भैसामई में मशीनें भी पहुंच गई हैं। उधर शासन से जिले को भूमि अधिग्रहण करने के लिए 945 करोड़ रुपये किसानों को दिया गया है। वहीं भूमि को उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी को हैंड ओवर कर दिया गया है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे की सबसे अधिक दूरी बदायूं डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगी, जो कि बदायूं की 4 तहसील को क्रॉस करेगा। यह एक्सप्रेसवे डिस्ट्रिक्ट की 4 तहसीलों के 85 गांव से होकर गुजरेगा, जिसमें बिसौली के 38, दातागंज के 27, बदायूं के 18 और बिलसी तहसील के 2 गाँव से गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे का कॉन्ट्रैक्ट अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड को मिला है, जो इसे 17,000 करोड़ की लागत से 3 स्ट्रेच में बनाएगी। अडानी इंटरप्राइजेस गंगा एक्सप्रेसवे के 80% हिस्से को बनाएगी, जो कि बदायूं से प्रयागराज तक का होगा। एक बार ये एक्सप्रेसवे बन जाता है तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो कि स्टेट के वेस्टर्न और ईस्टर्न रीजन को कनेक्ट करने का काम करेगा। साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर की ए स्ट्रिप भी शाहजहाँपुर में बनाई जाएगी, ताकि इंडियन एयरफोर्स इसका इमरजेंसी में टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए उपयोग कर सके। वहीं इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे के लिए अलोंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे के पूरे होने की उम्मीद 2024 है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक।